नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार जूम टेस्ट वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं स्मार्टफोन का जूम टेस्ट, जो कि है Vivo T1 Pro 5G। Vivo ने इसे रिसेंटली ही लॉन्च किया है एंड अराउंड 25,000 के बजट पे इसे लॉन्च किया गया है। एंड कैमरा सेटअप के बारे में अगर बात करी जाए तो ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है यहाँ पे। प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्राइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। एंड फ्रंट की बात करी जाए तो वहाँ पे मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए करते हैं इसका जूम टेस्ट। हम फोटोज़ में जूम टेस्ट करते हैं, वीडियोज़ में जूम करते हैं एंड थोड़ा सा साइड बाई साइड कंपेरिजन भी करेंगे रियलमी 9 प्रो प्लस के साथ, बिकॉज वो स्मार्टफोन भी आपको इसी प्राइस कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो दोनों का ही थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे एंड देखते हैं यहाँ पे जूम इन वगैरह कितना होता है, कैसा होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से स्टार्ट करेंगे। 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, कितना वाइड एरिया कवर हो रहा है देख ही सकते हैं। एक फ़ोटो लेते हैं। अभी शिफ्ट हो जाते हैं प्राइमरी सेंसर पे। 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, ओमनी विजन का सेंसर है। अगेन देख सकते हैं कितना एरिया कवर हो रहा है, किस तरह की क्वालिटी आ रही है। टाइम की बात करें तो अभी दोपहर का टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से जो भी होगा डिजिटल जूम ही होगा, कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। 2x जूम किया है, क्वालिटी में लॉस नहीं दिख रहा है। कुछ फोटोस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2x के बाद करते हैं 5x। तो 5x जूम कर लिया है एंड अभी भी आप देख सकते हैं क्लियर ही दिख रहा है, इतना ज़्यादा लॉस नहीं है क्वालिटी में। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता हूँ। नॉइज़ इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, ये नज़दीक की चीज़ें है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो कुछ फोटोस लेते हैं 5x में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं मैक्सिमम जूम। मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं एंड 10x जूम करने के बाद आप देख सकते हैं नॉइज़ तो यहाँ पे विजिबल है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। फोटोज़ क्लिक करते हैं तो 10x जूम में आप देख सकते हैं कि नॉइज़ डेफिनेटली विजिबल है यहाँ पे। एंड कुछ और सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। ये बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये दूर है यहाँ से। जूम आउट करके दिखाता हूँ। सो दिस इज अल्ट्रा वाइड, यहाँ से हम जूम कर रहे हैं, यहाँ तक जूम हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, 64 मेगापिक्सल मोड को टेस्ट कर लेते हैं। तो 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है एंड इसको अगर आप जूम करेंगे तो ठीक आउटपुट देखने को मिलता है। डिटेलिंग वगैरह इतना बेटर नहीं है बट नज़दीक के जो टेक्स्ट वगैरह है वो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, तो बेटर डिटेलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं रियलमी 9 प्रो प्लस के साथ जूम इन के मामले में एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो जूम भी देख लेते हैं। फोटो का जूम टेस्ट करने के बाद वीडियो में आ गए हैं। ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है एंड 1080p 30 तक शूट कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं। 60 पे जाएंगे तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन निकल जाएगा, तो 1080p 30 पे शूट करते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ Vivo T1 Pro के, तो आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी वगैरह है, कितना एरिया कवर हो रहा है। यहाँ से हम जूम इन करते हैं, लेट्स सी लेंस स्विच होता है कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे जूम इन नहीं होता है, ये एक्सपोजर का सेटिंग हो रहा है ठीक है। चलिए प्राइमरी पे स्विच कर लेते हैं, तो प्राइमरी कैमरा पे आ जाते हैं एंड इसको हम कर देते हैं 1080p 60 पे एंड अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, 1x मोड में शूट कर रहा हूँ, 1080p 60 पे शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना एरिया कवर हो रहा है, किस तरह की क्वालिटी वगैरह है। ऑटो फोकसिंग चेक करते हैं, तो ऑटो फोकसिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है जैसे आप देख सकते हैं। तो ऑटो फोकस तो यहाँ पे तेज़ी से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2x जूम करते हैं। तो
तो डिजिटली 2x जूम कर लिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में अभी भी लॉस इतना विजिबल नहीं है, आपको अच्छी ही देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5x करते हैं। तो वीडियो में 5x जूम कर लिया है एंड नॉइज़ यहाँ पे अब आपको क्लियरली विजिबल है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। ये वाटर टैंक वगैरह भी आप देख सकते हैं, नॉइज़ क्लियरली विजिबल है, बट 60 FPS की वजह से फुटेज यहाँ पे काफ़ी स्मूथ लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए मैक्सिमम जूम करते हैं, तो मैक्सिमम जूम कर लिया है, मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि नॉइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैक्सिमम जूम, हालाँकि क्लोज भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, बट फिर भी क्वालिटी कोई इतनी बेटर नहीं है। 5x तक ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। इस तरफ का भी एक बिल्डिंग आपको दिखा देता हूँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं, नज़दीक तो काफ़ी आ गए हैं बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जूम आउट करके दिखा देता हूँ, सो दिस इज़ 1x एंड बहुत टाइम लगता है यहाँ पे जूम इन होने में। दिस इज 10x। ठीक है, तो हो गया हमारा Vivo T1 Pro 5G का एक फोटो एंड वीडियो जूम टेस्ट, दोनों में ही आप 10x तक जूम कर सकते हैं एंड जूम इन करने के बाद जो क्वालिटी देखने को मिली मुझे 5x तक अच्छी लगी है। हाई रेजोल्यूशन मोड भी अगर आप यूज़ करते हैं तो डिटेलिंग वगैरह अच्छी देखने को मिलती है, बट अगर आप मैक्सिमम जूम करेंगे, 10x जूम करेंगे, तो फिर वहाँ पर क्वालिटी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड अभी इसके अलावा इसका एंड रियलमी 9 प्रो प्लस का एक डेडिकेटेड कैमरा कंपेरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट जरूर से कीजिएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।